भाई, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई नेगी निगम भंडारी जी और समस्त मीडिया बंधु, मैं आपका एक बार फिर से हमारे को समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो एजेंडा है, आपको मालूम ही है कि NSY और युवा कांग्रेस छात्रों की मांगों को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठी है, जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे को इन 2 दिनों में कोई भी प्रशासन की ओर से हमारी कोई सूझबूझ लेने नहीं आया। किसी ने हमारे को ये भी नहीं पूछा कि भाई आपके क्या हाल है, कोई दिक्कत है, परेशानी हुई है। इसके अलावा मैं सीधा, जो मेरा सीधा सवाल रहेगा, सीधा जो निशाना रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा, क्योंकि सरकार के पास मेरे को ये समझ नहीं आता कि कौन इनकी नीतियाँ बना रहा है। वैक्सीनेशन की पॉलिसी डिसाइड की जा रही है कि 28 और 29 तारीख को वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद 1 तारीख से पेपर होगे। पहली बात तो ये कि अगर 28 और 29 तारीख को आपकी वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद 1 तारीख को कैसे पेपर होगी? कईयों को बुखार होगी, कईयों को जोड़ों में दर्द होगी। उसके अलावा जब आपने 28 और 29 की आपकी एक नोटिफिकेशन ये आई थी कि जिस छात्र को वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी उस छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। पिछले कल आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी ज्ञात हुआ होगा कि अब जो वैक्सीनेशन है वो 1 हफ्ते तक नहीं लगेगी। इसके अलावा जो सबसे मेन मुद्दा है कि कॉलेज में, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, 18 साल से कम आयु के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस मुद्दे को लेकर भी सरकार कोई गंभीर नहीं है। इसके अलावा जो NSY ने और युवा कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो चाहे आपके हैशटैग ट्विटर के माध्यम से हमने मांग रखी हो, मेमोरेंडम के माध्यम से मांग रखी हो, या कहीं भी जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमने एक मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अनसुना तो नहीं कहेंगे, अभी अनदेखा ही किया है। हमारे से मिलने कोई नहीं आया, ना हमारे मांगों को समझने आया कि ये मांगे क्या है, क्यों NSY और युवा कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठी है। लगातार हमारे को आज 2 दिन हो गए, 3रा दिन था, हमने सोचा कि भाई 2 दिन में अगर हमारी मांगे मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानी जाएगी। तो आज हमने फिर से संयुक्त रूप से पिछले कल युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाई नेगी निगम भंडारी जी से चर्चा करके इस भूख हड़ताल को 7 तारीख तक के लिए कंटिन्यूस रखा है। और दूसरी बात यह कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम वो 15 तारीख से होने वाले हैं। सरकार और डेल्टा स्ट्रैंड की जो है दस्तक लगभग हिमाचल में कई जगह मामले आ गए हैं, जो आपके IGMC से या कहीं और से रिपोर्टें आई है। अब बताइए, अगर 15 तारीख के बाद किसी भी छात्र को जो संक्रमित हो जाता है, पहले आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी पूरी नहीं है, उसके बाद अगर कोई संक्रमित होता है तो क्या इसकी जवाबदेही सरकार देगी? हम एग्ज़ाम के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, लेकिन छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आज प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में जो शैक्षणिक सत्र होता था वो जून में शुरू होता था, आज जुलाई आ गई है। जुलाई आने के बावजूद भी ना यहाँ पे एडमिशन की कोई पॉलिसी है, ना ही एग्जामिनेशन की पॉलिसी है। और मेरे को तो सीधे और स्पष्ट शब्दों में एक चीज़ का जो रहता है सरकार के ऊपर जो शक भी जाता है, और कहीं ना कहीं शक जाना स्वाभाविक भी है कि जब डेल्टा वाइब्रेंट आने वाला है, कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है, छात्रों को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल किट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाई इलेक्शन के लिए छात्रों को एक प्रयोगशाला के रूप में आप प्रयोग में ला रहे हैं। आने वाले टाइम में आप बाई, क्योंकि इससे पहले भी सरकार का जब भी कोरोना की, चाहे वो पहली लहर थी, तब मध्य प्रदेश में आप जो केंद्र की भाजपा सरकार थी वो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने पर तुली थी, जब दूसरी लहर दस्तक दे रही थी तब यही सरकार वेस्ट बंगाल में चुनाव करवाने पर तुली थी, और जब तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल किट के रूप में छात्रों को यूज़ किया जा रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने जो भूख हड़ताल है वो 7 तारीख के लिए, इसीलिए 7 तारीख तक कंटिन्यू रखी है, और हमने इसके साथ साथ न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया है। अब जब हम गवर्नर तक गए, सरकार तक मांग रखी, जब गवर्नर साहब ने हमारी मांग नहीं सुनी, सरकार हमारे को अनदेखा कर रही है, तो हम न्यायालय जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर हमें कानून पे और न्यायालय प्रणाली पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय जो हाई कोर्ट से जो हमारा डिसीजन आएगा, छात्रों के जो फेवर में डिसीजन आएगा, छात्रों के हक में डिसीजन आएगा, यदि 7 तारीख तक भी हमारी मांगों को अनसुना या अनदेखा किया गया, तो 7 तारीख के बाद हम तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक छात्रों को
उनका हक नहीं दिला सकते, उनका न्याय नहीं दिला सकते। और मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त छात्र शक्ति को NHY और युवा कांग्रेस की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि NHY और युवा कांग्रेस लगातार आपके साथ संघर्षरत है, आपकी मांगों के लिए संघर्षशील है। और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, क्योंकि सरकार आपकी जो भविष्य की जो चिंता है वो छोड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन की पॉलिसी, जो बाई इलेक्शन के लिए अपनी नीतियां बनाने पे, और सरकार जो है अपनी नीतियां बनाने के साथ आपको एक एक्सपेरिमेंटल किट के रूप में प्रयोग करने पे तुली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे अपने अपना वक्तव्य रखने के लिए हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई नेगी निगम भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि वे भी अपना वक्तव्य रखे और अपनी बातें रखे। आगे आने वाली हमारी क्या रणनीति रहेगी, जिस तरह से आपने अभी तक सहयोग रखा, आगे क्या क्या करना है, नेगी निगम भंडारी जी। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा, जो छात्रों की समस्या और उनकी मांग को लेकर लगातार उनकी आवाज़ को बुलंद करने का जो आप लोग काम कर रहे हो वो काबिले तारीफ़ है। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो प्रेस वार्ता रखने का जो हमारा मुख्य मकसद है, आज हिमाचल प्रदेश का हर एक छात्र डर के माहौल में है। सुबह परीक्षा केंद्र के बाहर हमारे NHY और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, जो वहाँ पर खास जो विशेष बात वहाँ पर देखी गई, एक डर का माहौल जो एक विश्वविद्यालय कॉलेज परिसर में एक जो डर का माहौल पनपा है, उससे आप लोगों के को अवगत कराना चाहूँगा। और आज मन बड़ा दुखी है, जो ये हिमाचल प्रदेश की जो तानाशाही सरकार है, जो इसका अड़ियल रवैया है, जो छात्रों के प्रति अड़ियल रवैया है, उसको लेकर आज प्रेस वार्ता की है। आप सभी जानते हैं पिछले 15-20 दिन से लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर NHY और युवा कांग्रेस लगातार आवाज उठाते आई है। आज का जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य मकसद था, आज हम बताना चाहते हैं जो युवा कांग्रेस और NHY के द्वारा 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल रखी गई थी पूरे प्रदेश भर में, और इस भूख हड़ताल के दौरान सरकार के तरफ से सरकार का कोई नुमाइंदा हमें हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, हमारी मांगों को जानने के लिए नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। उसको देखते हुए आज NHY और युवा कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 7 तारीख तक इस क्रमिक भूख हड़ताल को जारी रखेंगे और हिमाचल प्रदेश के छात्रों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। युवा कांग्रेस और NHY आपकी इस समस्या में, इस दुख की घड़ी में हमेशा खड़ी है और आपकी लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं सरकार को, हिमाचल प्रदेश के हर एक छात्र का एक संदेश भी देना चाहता हूं, जो उन्होंने लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से हमें दिया है, लगातार जो उनके मैसेज आ रहे हैं, उनका एक ही कहना है सरकार को कि हम हिमाचल प्रदेश के छात्र हैं, ना कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने वाले जो चूहे होते हैं, जो एक जानवर को वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। तो सरकार का साफ तौर पे सरकार को हिमाचल के छात्रों का कहना है कि भाई हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। जब आपने पूरी सुविधाएं हमारे को ना ऑनलाइन कक्षाओं के समय दी, और जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना की 3री लहर दस्तक दे चुकी है, ऐसे में आप कैसे परीक्षाएँ करवा सकते हो। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी आज हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए है वो वैक्सीन है। वैक्सीन आप उपलब्ध करवा नहीं पा रहे। एक तरफ आप कहते हो कि 28 और 29 तारीख को हर कॉलेज परिसर के बाहर वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा,
हर छात्र को वैक्सीन उपलब्ध करवाया जाएगा। और एक तरफ आप कहते हो कि आपकी एक यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन निकलती है, एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप आ रहे हो तो बिना वैक्सीन लगा के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप खुद देखिए सरकार का किस प्रकार का ये रवैया है, जिससे आज हिमाचल प्रदेश का हर एक छात्र दुखी है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के बच्चों को परेशान ना करें। आज बच्चों के अभिभावक भी परेशान हैं, आज हिमाचल प्रदेश का हर एक छात्र डर के माहौल में है, पीड़ा है उसको, और साथ ही साथ डिप्रेशन का भी शिकार काफ़ी सारे छात्र हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब ऑनलाइन परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाई, ऐसे में आप कैसे ऑफलाइन परीक्षाएं ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस आप खुद देखिए, हिमाचल प्रदेश दुर्गम क्षेत्र, हम लगातार इससे पहले भी कहते आए हैं। और खुद सोचिए कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो वर्चुअल केसेस थे उनको जब कनेक्टिविटी की दिक्कत आ सकती है, आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने एक साल कैसे पढ़ाई की होगी। अगर आपको परीक्षाएं करवानी भी थी, छात्रों का भी ये कहना है, अगर उनको सरकार को परीक्षाएं करवानी भी थी तो थोड़ा समय तो देते। ये तुगलकी फरमान कैसे निकालते, एकदम से तुगलकी फरमान सरकार का निकला है, जिससे हिमाचल प्रदेश का हर एक छात्र डर के माहौल में है। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो जो ये क्रमिक भूख हड़ताल है, जो एक आंदोलन चला है, इसको और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई को उग्र करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में होगी है? पूरे प्रदेश में। वही जो पहले से चिन्हित है वही पे? बिल्कुल, इसमें अभी कई जगह वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। वेन्यू इसमें है कि हम इसमें कई जगह कॉलेजेस के बाहर भी कर सकते हैं, एसडीएम कार्यालय के बाहर तो कर ही रहे, पर कई जगह हम इसको कॉलेजेस के बाहर भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी डिमांड आई थी कि जहां हम एसडीएम कार्यालय कई जगह एकांत जगह पे है और वहां पर कोई किसी की आवाजाही नहीं है, और गर्मी का मौसम है, आप देखिए 40-40 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में स्टूडेंट्स की भी मांग है। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आप हमारे सपोर्ट में खड़े हो तो प्लीज़ आप कॉलेज परिसर के बाहर आप धरना